हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। आज 21 नवंबर गुरुवार के दिन हमारा एनएसई 500 कैश मार्केट के एनालिसिस के बाद हमने ये पाया कि आज का जो हीरो है वो है इन्फीबीम। दोस्तों, हम प्रतिदिन एनएसई 500 कैश मार्केट का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में जो स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसको हम आज का हीरो डिक्लेयर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर पढ़िए जो हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी उपलब्ध है। हम जो एनालिसिस करते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हमारे पांच पैरामीटर्स हम लेकर चलते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है वो है गेनर्स और लूजर्स का। उसके बाद में जो दूसरा पैरामीटर है वो है वॉल्यूम एनालिसिस, यानी कि किस शेयर में कितना ज्यादा काम हुआ है। तीसरा एनालिसिस का पैरामीटर है रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, यानी कि वो स्टॉक्स जो कि नीचे से ऊपर की ओर गए हैं, यानी कि मजबूत हुए हैं आज दिन में और उसमें पार्टिसिपेंट्स ने बाइंग इंटरेस्ट शो किया है, तो ये बुलिश स्टॉक्स के लिए होता है। और इसके विपरीत फॉल फ्रॉम इंट्राडे है जो कि हमारा चौथा पैरामीटर है। ये गिरने वाले शेयर्स के लिए होता है, कमजोर होने वाले शेयर्स के लिए होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि किन स्टॉक्स में आज सेलिंग प्रेशर रहा। इसके बाद में जो हमारा फाइनल पैरामीटर है एनालिसिस का वो है पिवट पॉइंट एनालिसिस। पिवट पॉइंट एनालिसिस से हम ये पता करते हैं कि वो कौन से स्टॉक हैं जहां पर नया बुल रन शुरू हो रहा है या नया बेयर रन शुरू हो रहा है। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा हमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर हमें ये लगे कि अब वो बढ़ने वाले शेयर हैं और वो एक बुल रन की शुरुआत में दिखाई देते हों। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो एनालिसिस का पैरामीटर होता है वो पिवट पॉइंट एनालिसिस होता है। यदि आप चार्ट का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो डाटा एनालिसिस सबसे अच्छा और प्रूव्ड मेथड है। और इसमें जो बुल रन के लिए हम पिवट पॉइंट एनालिसिस का यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और बहुत सारे ट्रेडर्स दुनिया के पिवट पॉइंट एनालिसिस के ऊपर ही काम करते हैं। तो हमारे इन पांचों पैरामीटर्स के आधार पर जो भी स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम आज का हीरो डिक्लेयर करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आज 21 नवंबर का एनालिसिस और सबसे पहले देखते हैं हम अपना पहला पैरामीटर जो कि है गेनर्स और लूजर्स का। जी हाँ, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टॉप 10 बढ़ने वाले शेयर्स। तो इसमें बढ़ने वाले शेयर्स हैं आज के यूको बैंक 13.10, जी लिमिटेड 12.43, आईआरबी 12.24, एबी कैपिटल 11.86, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 11.22%, इन्फीबीम 10.97, जीआईसीआरई 8.90, जागरण 7.83, नेटवर्क 18.77 और HSCL 6.63% बढ़ के बंद हुए हैं। तो हम एनालिसिस के लिए आज हम तीन स्टॉक्स चुन लेते हैं। यह है यूको बैंक, जी लिमिटेड और आईआरबी, क्योंकि ये आज टॉप थ्री बढ़ने वाले शेयर्स हैं। तो हम इनको सिलेक्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि ये शेयर आगे के पैरामीटर्स पर कैसा परफॉर्म करते हैं और उसके बाद ही हम आज का हीरो डिक्लेयर करेंगे। अब हम चलते हैं इन शेयर्स के एक कंपेरेटिव एनालिसिस की ओर। हमने पिछले दिन के क्लोजिंग को 100 बनाया है और हमने इस तरह से सभी की प्राइसेस को नॉर्मलाइज कर दिया है। तो यहाँ पर आप जो भी चेंजेस देख रहे हैं वो परसेंटेज के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 100 की एक लाइन है, यानी कि ये पिछला क्लोजिंग है। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि यूको बैंक आज लगभग 10% ऊपर खुला और लगभग 10% और ज्यादा ऊपर गया। उसके बाद में इसमें काफी ज्यादा सेलिंग आई है और यहां तक कि ये अपने 10% ओपनिंग से नीचे भी चला गया था, लेकिन बाद में इसने रिकवर करके लगभग 12% की बढ़त के साथ में ये बंद हुआ। इसी तरह से जी लिमिटेड भी काफी वॉलेटाइल रहा है और 10% ऊपर खुल के लगभग 18% ऊपर तक गया, फिर उसके बाद में उसमें सेलिंग हुई। हालांकि ये नीचे 5% नीचे भी गया था। तो इस तरह से इन दोनों शेयर्स में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। हालांकि ये दोनों बहुत अच्छे बढ़ने वाले शेयर्स में शामिल हैं। जी लिमिटेड में आज खबर आई है कि सुभाष चंद्रा अपना जो स्टेक है जी लिमिटेड का वो बेच देंगे और इसकी वजह से, इन खबरों की वजह से जी लिमिटेड में आज तेजी देखने को मिली है। इसके बाद में आईआरबी
जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और रोड से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स लेती है, तो कल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने डिक्लेयर किया था कि वो कुछ रियायतें देंगी और जिन कंपनीज का कुछ पैसा फंसा हुआ है इस प्रोजेक्ट्स में, नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट्स में, तो उनको सरकार बैंक गारंटी के आधार पर उनको उनके पैसे को रिलीज करेंगी ताकि आगे का काम प्रॉपर तरीके से चल सके और किसी भी तरह का डेवलपमेंट वर्क में कोई रुकावट पैदा ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसकी वजह से आईआरबी, जिसका काफी पैसा फंसा हुआ है कुछ अधूरे प्रोजेक्ट्स में, कुछ अप्रूवल्स की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फंसे हुए हैं कई स्टेट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, और उसकी वजह से इस स्टॉक को काफी नुकसान झेलना पड़ा है क्योंकि इसका काफी सारा पैसा फंसा हुआ है, गवर्नमेंट एजेंसीज इसको पैसा नहीं दे रही हैं। तो ये एक अच्छी खबर है आईआरबी के लिए, इसके लिए ये आज स्टॉक बढ़ा है। तो ये रहे ये तीन स्टॉक्स हमारे आज के हीरो वाले रेस में शामिल हैं। अब हम देख लेते हैं एक एक करके इनके चार्ट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यूको बैंक ये लगातार तीसरा दिन है आज इसके बढ़ते रहने का और तीनों दिन बहुत अच्छा वॉल्यूम रहा है, यानी कि ये आगे चल करके भी अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ये बढ़ा है उस हिसाब से मैं समझता हूं कि अब ये खरीदने के लायक नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें कॉशन बरतने की जरूरत है। वहीं पर जी लिमिटेड में भी एक अच्छी खासी बढ़त आई है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी रही है इसमें और लगातार दूसरा दिन रहा है ये बढ़ने का, ये भी काफी बढ़ गया है। इसको थोड़ा सा नॉर्मल आने दें और उसके बाद ही इसमें बाइंग करने की कोशिश करें। जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है आईआरबी। इसको हम बाई कर सकते हैं क्योंकि इसने एक अच्छा सिग्नल दिया था नवंबर के शुरुआत में और इसके हिसाब से ये शेयर ऊपर भी जा सकता है और आज इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ये शेयर हम खरीद सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से हमारे जो टॉप 10 बढ़ने वाले शेयर्स हैं उनमें हम इन तीनों शेयर्स पर मोहर लगाते हैं। अब हम चलते हैं आज के उन शेयर्स की ओर जो कि आज कमजोर होने वाले शेयर्स रहे हैं, यानी कि टॉप 10 लूजर्स रहे हैं। कौन कौन से वो शेयर्स हैं? गायत्री प्रोजेक्ट लगभग 20%, कैपली पॉइंट 10.65%, आईटीडीसी 10%, कॉरपोरेशन बैंक 9.95%, मदरसन सुमी 7.56%, केएससीएल 6.63%, हिंदुस्तान कॉपर 6.14%, डिश टीवी 5.93%, आइडिया 5.67% और बीपीसीएल 5.60% गिर के बंद हुए हैं। यहां पर आप कर्व एरो देख रहे हैं, गायत्री प्रोजेक्ट, कैपली पॉइंट, मदरसन सुमी, डिश टीवी और आइडिया, ये ऊपर से गिरने वाले शेयर्स हैं, यानी कि यहां पर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा रहा है। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को यह सलाह देता हूं कि आप कभी भी उन शेयर्स को ना खरीदें जहां पर कि ऊपर से गिरावट आई है या जो कमजोर होकर के बंद हुए हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि शायद आप नहीं जानते हैं। इसलिए हमेशा उन शेयर्स में इन्वेस्ट करें जो ऊपर की ओर अपनी चाल शुरू कर रहे हैं या जिनमें कोई अच्छी खबर है। यहां पर गायत्री प्रोजेक्ट्स में एक खबर आ रही है। क्या है वो खबर? कि इसने सबसे पहले तो यह है कि इसकी जो केयर रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर दी गई है, जिसकी वजह से शेयर नीचे चला गया है। और यहाँ पर आप गायत्री प्रोजेक्ट और कैपली पॉइंट को देख सकते हैं कितनी ज्यादा इनमें कमजोरी रही है और ये शेयर गायत्री प्रोजेक्ट ने तो लगभग 20% अपना खो दिया है, कैपली पॉइंट ने भी लगभग अपना 12% आज खो दिया है। और साथ में एक खबर भी आ रही है इन दोनों शेयर्स में कि इन दोनों शेयर्स ने, गायत्री प्रोजेक्ट और कैपली पॉइंट ने, नया 52 वीक लो भी बनाया है। तो ये रही इनकी कमजोरी की दास्तां। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैरामीटर की ओर जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस का। यहां पर आप देख रहे हैं दो साइन बने हुए हैं, एक है वॉल्यूम इंक्रीज का और दूसरा है वॉल्यूम डिक्रीज का। तो सबसे पहले हम वो शेयर्स देखेंगे जहां पर कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज होने वाले शेयर्स हैं इंडिया बुल, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, केएनआर कंस्ट्रक्शन, आवास, रिलायंस कैपिटल, वी मार्ट, श्रीराम सिटी, आईसीआरए,
सद्भाव, नेटवर्क 18 और इन्फीबीम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया बुल इंटीग्रेटेड सर्विसेज में लगभग 85 गुना ट्रेडिंग ज्यादा हुई है, केएनआर कंस्ट्रक्शन में लगभग 30 गुना ट्रेडिंग ज्यादा हुई है। वहीं पर आप दो साइन और देख रहे हैं थम्स अप वाले, नेटवर्क 18 और इन्फीबीम में, ये आज के टॉप 10 बढ़ने वाले शेयर्स में शामिल हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कि नेटवर्क 18 लगभग 7.7% बढ़ के बंद हुआ है, साथ में इन्फीबीम 10.97% बढ़ के बंद हुआ है। ये वॉल्यूम स्पर्ट वाले शेयर्स हैं। दोस्तों, हमने जो तीन शेयर्स अपने चुने थे उनमें से कोई भी शेयर यहाँ पर नहीं है, यानी कि उन शेयर्स में वॉल्यूम का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा है। और यहाँ पर हम एक शेयर देख रहे हैं इन्फीबीम को, जिसमें कि इंट्राडे रिकवरी भी है, जो कर्व्ड एरो दिखाई दे रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर आया है। तो हम क्या करते हैं कि इस शेयर को भी उस रेस में शामिल कर लेते हैं। तो हमने इन्फीबीम को भी उस रेस में शामिल कर लिया। तो अब हमारे पास चार शेयर होंगे और देखेंगे कि किस शेयर ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर अब हम आते हैं उन शेयर्स की ओर जिनमें की वॉल्यूम कम हुआ है। एसकेएफ इंडिया, वेब ऑफ जीबीएल, टीआई इंडिया, जीपीपीएल, चोलामंडलम, सिस, एस्टरडम, गुल्फो एल्बम, फ्रीटेल और ओमैक्स, ये वो शेयर हैं जहां पर की वॉल्यूम लगभग आधा हो गया है। यहाँ पर प्राइस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए ये डाटा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले पैरामीटर की ओर, जो कि है रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, यानी कि वो शेयर जो कि नीचे से ऊपर की ओर गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इससे ये पता चलता है कि पार्टिसिपेंट्स ने आज उन शेयर्स में कितनी अच्छी ट्रेडिंग की है और जिसकी वजह से शेयर ऊपर की ओर भागा है। तो हम देखते हैं रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है बुल रन के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जेबी कैम फार्मा, जहां पर रिकवरी हुई है 23.0% की, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 13.20, यूको बैंक 12.20, एबी कैपिटल 12.19, इन्फीबीम 11.48, जीआईसीआर 11.13, इंडिया बुल रियल एस्टेट 10.02, डीएचएफएल 9.87, एचएससीएल 9.69 और मैग्मा 9.23% की यहाँ पर इंट्राडे रिकवरी हुई है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इन शेयर्स में जो एक शेयर हमारा यूको बैंक और दूसरा हमारा इन्फीबीम, हमने चूंकि चार शेयर सिलेक्ट किए थे और इनमें से ये दो शेयर हैं जो कि यहाँ पर इस पैरामीटर में सक्सेसफुल हुए हैं। तो हम देखते हैं इन दोनों पैरामीटर्स को हम ऊपर लेकर के चलेंगे और देखेंगे हमारे अगले पैरामीटर में कि कौन सा शेयर सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने सिलेक्ट कर लिया यूको बैंक को और इन्फीबीम को। अब इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा। यहाँ पर इन दोनों के कंपेरेटिव चार्ट भी आप देख रहे हैं, यूको बैंक में काफी ज्यादा उथल पुथल रही है, वहीं पर इन्फीबीम एक कॉन्स्टेंटली नीचे से ऊपर की ओर गया है। तो ये शेयर काफी मजबूत हुआ है और पार्टिसिपेंट्स ने इसमें एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट शो किया है। अब हम चलते हैं अपने चौथे पैरामीटर को, जो कि फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई है, यानी कि इस पैरामीटर में हम ये पता करते हैं कि कौन से शेयर हैं जो कि नीचे की ओर गए हैं सेलिंग प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गायत्री प्रोजेक्ट्स लगभग 23% अपने ऊपरी स्तर से गिरा है, डिश टीवी 18.72%, आइडिया 16.35, सद्भाव 14.73, केएनआर 13.09, कैपली पॉइंट 12.29, एनसीसी 10.80, नेटवर्क 18.02, अशोका 8.25 और मदरसन सुमी 7.49% अपने ऊपरी स्तर से गिरे हैं। वहीं पर आप जो थम्स डाउन देख रहे हैं ये शो कर रहा है कि ये आज के टॉप 10 गिरने वाले शेयर्स हैं। कौन कौन से हैं ये शेयर? गायत्री प्रोजेक्ट, डिश टीवी, आइडिया, कैपली पॉइंट और मदरसन सुमी। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्लीज कभी भी ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट ना करें जो कि नीचे की ओर गिर रहे हैं या जहां पर कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो ये आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा और इन शेयर्स में हाथ डालने की कोशिश ना करिए। अब हम देखते हैं इसके एक कंपेरेटिव एनालिसिस को। तो जैसा आप देख रहे हैं गायत्री प्रोजेक्ट काफी ज्यादा कमजोर हुआ है, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि 20% के करीब इसने अपना ऊपर से लगभग 23% अपने ऊपरी स्तर से गिरा है और 20% नीचे जाके बंद हुआ है। काफी ज्यादा कमजोर हुआ है ये शेयर। अब हम चलते हैं अपने अगले पैरामीटर की ओर,
जो कि हमारा है पिवट पॉइंट एनालिसिस। दोस्तों इसमें हम ये पता करते हैं कि कौन से वो शेयर हैं जहां पर कि बुल रन की शुरुआत हो रही है या बेयर रन की शुरुआत हो रही है, इससे हम डिसाइड करेंगे अपना आज का हीरो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बुलिश शेयर्स कौन कौन से हैं, जेबी केम फार्मा, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, DHFL, इंडिया बुल रियल एस्टेट, मैकमा, रिलायंस पावर, GICRE, HSCL, कॉफी डे और इन्फीबीम। दोस्तों यहां पर हम यूको बैंक को नहीं देख रहे हैं और हमारे जो चार कंटेस्टेंट थे उनमें से केवल एक ही स्टॉक दिखाई दे रहा है, वो है इन्फीबीम। यानी कि इन्फीबीम एक ऐसा शेयर है जिसमें कि बुल रन की शुरुआत हो रही है, साथ में आपको मालूम है कि इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी रहा है और ये इंट्राडे रिकवरी वाला शेयर भी रहा है और ये टॉप 10 बढ़ने वाले शेयर में भी शामिल है। तो हम इस शेयर को यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं और यही हमारा आज का हीरो होगा। इसके पहले हम इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। आप इसको चार्ट को देख सकते हैं, ये काफी दिनों से एक कांस्टेंट लगभग चल रहा था, एक रेंज में चल रहा था, लगभग 40 रुपए से 45 रुपए की रेंज में, लेकिन आज इस रेंज को इसने तोड़ा है और 49.90 पर बंद हुआ है। एक अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें रहा है और पहले भी ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। तो अब हम चलते हैं आज के वो शेयर और एक बार देख लेते हैं जो कि आज बेयर फेस में गए हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमको कॉशन लेने के लिए। हम कभी भी ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं जो कि नीचे की ओर जा रहे हैं। तो गायत्री प्रोजेक्ट्स, डिश टीवी, सद्भाव, KNR कंस्ट्रक्शन, आइडिया, NCC, कैपली पॉइंट, अशोका, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ मदरसन सुमी, जी हाँ ये वो शेयर है जो कि एक बेयर फेस में एंटर हो रहे हैं। यहां पर आप ये चीज और ध्यान रखिए कि सद्भाव और KNR काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ में नीचे की ओर गए हैं। KNR तो ऊपर की ओर गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन सद्भाव एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में नीचे की ओर गया है, तो थोड़ा सा हमको संभलने की जरूरत है। वहीं पर आप देखेंगे डिश टीवी, कॉरपोरेशन बैंक, मदरसन सुमी और आइडिया, ये टॉप 10 गिरने वाले शेयर्स भी हैं, तो हमें इन शेयर्स में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। तो हमारे ये पांचों पैरामीटर्स अभी हमने कंप्लीट कर लिए और इसके आधार पर हम देखते हैं कि आज का हमारा NSE 500 मार्केट का हीरो कौन है। तो हम देखते हैं हमारा जो हीरो है आज का वो है इन्फीबीम। क्यों है ये? क्योंकि ये आज सिक्स्थ रैंक गेनर है और इसने 10.97% का गेन किया है। साथ में ये 19th रैंक का वॉल्यूम स्टॉक है, यानी इसमें लगभग 7 गुना से भी ज्यादा ट्रेडिंग ज्यादा हुई है। साथ में ये फिफ्थ रैंक वाला रिकवरी वाला शेयर है और इसमें अपने निचले स्तर से 11.48% की रिकवरी की है। इस तरह से हमारा आज का NSE 500 कैश मार्केट का हीरो है वो है इन्फीबीम। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो रिलीज हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे। आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का।